ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि की बात कर लेते हैं। कारोबार व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो दिन अच्छा गुजरेगा और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपका एक विशेष गुण भी है और काफी समय के बाद कुछ ऐसा वातावरण बनने जा रहा है कि आपको अपने करियर के बारे में थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा। कुछ अड़चनें जरूर हैं लेकिन वो धीरे धीरे दूर होती भी दिखाई देंगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ गलत निर्णय आपके जीवन में कुछ खलबली पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी से भी रिलेशन बनाने से पहले आपको 100 बार सोचना है। दिल और दिमाग जहां दौड़ रहा है उसी दिशा में आपकी अपनी विचार शक्ति दौड़ाने का भी प्रयास कीजिए, तभी तो आप सक्सेस हासिल करेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कोई भी जरूरी काम टालना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई काम टाल दिया तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो काम शायद ही पूरा हो। अपने कौशल को पहचानिए, उसका सदुपयोग कीजिए, उससे बढ़ाइए और अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कमी है। तो हमें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उससे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित अंतिम दिन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने भांजे प्रिंस के लिए जानना चाहती है। प्रिंस की जन्म की तारीख है 11/6/2011 और जन्म का समय है शाम का 4:10 का। रेखा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भांजे प्रिंस के बारे में पूछना था। एक तो इसके नाम में कोई कंफ्यूजन है, कोई बताता, एक दो पंडित जी ने बताया कि इसका नाम कन्या राशि पे आता है और एक दो पंडित जी ने बताया कि तुला राशि पे आता है, तो वो पूछना था इसका सही नाम किस राशि पे आएगा और आगे इसके। देखो बेटा रेखा, आपका जो भांजा है प्रिंस, इसकी जो राशि वो कन्या राशि ही है और कोई राशि नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन का कोई पार्ट नहीं है। कन्या राशि है इसकी और पी के ऊपर ही इसका नाम आया है, ठीक है। तो आपने पी के ऊपर नाम रख रखा है, इसलिए ज़्यादा डोंट गेट बी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नाम बिल्कुल सही है, राशि कन्या है। रही बात इस बच्चे की, चूँकि अभी तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी जो है ये बच्चा काफ़ी अच्छा निकलेगा, एजुकेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया रहेगी इसकी। राहु की मादशा में से बच्चा गुजर रहा है, अभी मार्च 2016 से शुरू हुई है और राहु 2034 तक चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे का माइंड स्टेट अच्छा रहे और फ्लक्चुएशन नहीं आए, उतार चढ़ाव नहीं आए विचारों के अंदर, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा रहे, एक गोमेद रत्न का 3.25 या 5 रत्ती का गोमेद रत्न लेके उसका चांदी में पेंडेंट बना के इसके गले के अंदर डलवा दीजिए। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिए, क्योंकि इसका भाग्येश जो है बुध वो अस्त होके बैठा है। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जियां खूब खिलाइए, बिस्तर की जो चादर है वो भी हरे रंग की हो। ओवरऑल मिला के कुंडली अच्छी, क्योंकि इसकी राशि का स्वामी बुध है, वो अस्त है, इसलिए जितना हरे रंग का प्रयोग करेंगे उतना इस लड़के की बुद्धि भी अच्छी रहेगी और जीवन भी अच्छा रहेगा। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सिद्धि हैं जो कि रतनगढ़ से हैं, अपनी भांजी के लिए जानना चाहती है। इनकी भांजी की जन्म की तारीख है 15/6/1988 और जन्म का समय है पंडित जी 15:00 PM का जन्म है सिद्धि का, इनकी भांजी का सॉरी। सिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। सिद्धि जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। सवाल पूछिए सिद्धि जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पंडित जी, इसकी दूसरी शादी हुई है, इसकी दूसरी शादी हो गई, पहले शादी में सुख नहीं था, अभी ससुराल में सुख नहीं मिल रहा है, उसको ले नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, उसके 2 लड़की भी हो गई है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या करें। देखिए, आपकी जो ये भांजी है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि बहुत मुश्किलों से हम हमारी बच्चियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, सब कुछ उनके पीछे लगा देते हैं, उनको अच्छा शिक्षा दिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, जब विवाह करने का समय आता है तब हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। यदि योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान अगर अच्छे से किया गया हो
तरीके से किया गया हो, शास्त्र सम्मत रूप से किया गया हो, तो आपकी बच्चियां कभी दुख नहीं पाएंगी। ये कलयुग है और मैं सभी माता पिता को कहता हूं कि अपने बच्चियों की शादी करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपकी आपकी बहन आपकी बेटी विवाह के पश्चात में सुखी रहे, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, तो अपनी बेटी के विवाह से पहले, अपनी बहन के विवाह से पहले किसी गरीब कन्या का कन्यादान कर देना, आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। आज ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। योग्याचार के निर्देशन में अच्छे से गुण मिलान कीजिए। हम जब भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाएं, तीन चीजें अवश्य देखिए कुंडली के अंदर। जो लड़का है, पूर्ण संतान योग होना चाहिए, पूर्ण आयु सुख होना चाहिए, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़के का करैक्टर अच्छा होना चाहिए। हर वो चीज जो दूर से अच्छी लगे वो वास्तव में अच्छी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप माता पिता का भी एक बड़ा इसके अंदर योगदान रहता है कि यदि आप अपनी बच्ची के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है, तो सूर्य एंड चंद्रमा दोनों साथ बैठ गए हैं। ये कहीं ना कहीं इसके जीवन के अंदर वैवाहिक जो इसका लाइफ है, मैरिज जो लाइफ है, उसमें इतना भारी उतार चढ़ाव इसको देखने को मिल रहा है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इस सूर्य चंद्रमा की युति का विधिवत रूप से इसका उपचार करवाइए, इसकी पूजा आराधना करवाइए। और जहां तक हमें लगता है कि एक साल अभी इसके जीवन का और है, यानी 2018 से इसके जीवन में काफ़ी भारी परिवर्तन आएंगे, और कभी आप समय मिले तो जयपुर आइएगा बच्ची को लेके। निश्चित तौर पर हम इसका आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ विशेष रूप से आपको अवश्य बताएंगे। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अंतिम तीन राशियों के बारे में, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। आज कामकाज, पैसों और करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो आज का दिन अच्छा है। काम को लेकर कोई फिक्र ना करें, कोई चिंता ना करें। यदि कोई आज आपको क्रिटिसाइज करता है तो भी आप उसके प्रभाव में मत आएं, अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापार में सफलता लाभ दोनों मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जो भी आपके उद्देश्य हैं उनको हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। विचारों में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिए, हल्की सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके पक्ष में हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प मित्रों के समक्ष अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक है, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जो भी आपके उद्देश्य हैं, आपके सपने हैं, उनके प्रति थोड़ा सा सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा आज आपको एक्टिव नहीं होना है, अकारण की चर्चा और कानाफूसी से दूर रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए अभी के आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आप सभी के लिए। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सर्व गुण संपन्न हैं, या हमारे बच्चे हैं, या हमारे भाई बंद हैं, सब कुछ आता है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वेल एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार हैं। नौकरी के लिए जितना अधिक प्रयास करते हैं उतनी ही कोशिश विफल हो जाती है। एट लास्ट हम लोग कहते हैं कि भाई आप हो, सक्षम हो, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अपने भाग्य को कोसने की बजाय, अरे मेरा तो भाग्य खराब है, ऐसा नहीं, भाग्य को कोसने की बजाय कुछ वास्तुसम्मत रेमेडीज किया जाए, उपाय किए जाए, तो निश्चित तौर पे बैड लक जो है गुड लक में बदल सकता है। आइए जानते हैं बैड लक को गुड लक में बदलने वाले कुछ सरल से वास्तु टिप्स। जब भी आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक रेड कलर का जो हैंकी है, रुमाल है, वो अपने साथ रखिए। रेड कलर की शर्ट भी आप पहन सकते हैं। निश्चित तौर पे जितना अधिक लाल कलर का प्रयोग करेंगे उतनी अधिक आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा रेड कलर बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं हो, थोड़ा सॉफ्ट रेड हो, इस तरह का कलर यूज़ कीजिए। रात में सोते समय जो आपका बेडरूम है
वहां एक 0 वाट का पीले रंग का बल्ब लगा दीजिए। रेड कलर, येलो, सुनहरा रंग, इस तरह का जो कलर होता है वो आपके लक फैक्टर को इंक्रीज करता है। वहीं नॉर्थ डायरेक्शन की जो वॉल है, आपकी उत्तर दिशा की दीवार है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रखें। कोई गैर जरूरी पुराना सजावट का सामान वहां पे नहीं लगाना है। उत्तर दिशा की दीवार पर फुल लेंथ मिरर आईना लग सकते हैं। इस दिशा में आईना रखने से आपको बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, चांस बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू में सक्सेस परसेंटेज बढ़ जाती है। और जब भी इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो अपना दायां पांव सबसे पहले बाहर रखिए। साथ ही घर से निकलने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करें, उन्हें सुपारी अर्पण करें, प्रसाद के तौर पर उस सुपारी को ग्रहण कर लें। इंटरव्यू लेने वालों के सामने अपना हाथ या पांव मोड़कर बैठने की बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठिए। इस सरल से जो टिप्स हैं इसको आजमाकर निश्चित तौर पे आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, नौकरी पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के सरल से समाधान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।